नमस्कार, मैं डॉक्टर नीति कपूर कौशल हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में। सुखविंदर कौर जी हमारे पास सिर दर्द, बुखार और बेहोशी की हालत में आए थे और इनके हमने जब टेस्ट किए तो इनको डायग्नोज किया गया एज अ केस ऑफ वायरल इंसेफ्लाइटिस और इनके ब्रेन में जो फ्लूड की जाँच हुई थी उसके अंदर भी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस पॉजिटिव आया था। तो हमने इनको एंटीवायरल्स पे डाला और अगले 13-14 दिन में ये काफ़ी इम्प्रूव हो गए थे, खाना पीना लगे थे और घर वालों से नॉर्मली बात भी कर लेते थे, थोड़े माइल्ड मेमोरी डेफिसिट्स रह गए थे। और पर 17 डे पे इनको फिर से डिटेरेशन हो गया और ये कोमा में चली गई। इनको दोबारा से आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा और फिर से इनकी दोबारा से जांच हुई, एमआरआई किया गया और कमर के पानी की जांच हुई। तो एमआरआई में इन जो इनके जो पहले के रीजन्स थे वो थोड़े बढ़ गए थे और जो कमर के पानी की जांच की थी उसके अंदर भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिल रहे थे। तो इसके सस्पिशन और जो वायरल का टेस्ट था जो रिपीट हमने कराया वो नेगेटिव हो चुका था। तो अब हमें सस्पिशन हुआ कि शायद जो इस पेशेंट में है वायरल इंसेफ्लाइटिस में कुछ ऑटोइम्यून प्रोसेस है, ऑटोइम्यून इंसेफ्लाइटिस को ट्रिगर कर दिया है। तो उसके बेसिस पे हमने इनको ऑटोइम्यून इंसेफ्लाइटिस की लाइन पे फर्दर ट्रीट किया। अगले 3 मंथ्स इनका ट्रीटमेंट चला और आज भगवान की कृपा से और हमारे आईसीयू के डॉक्टर्स डॉक्टर गुनीत डॉक्टर सुमित और आईसीयू के स्टाफ की कोऑपरेशन से और जो फैमिली मेम्बर्स हैं पेशेंट के उनका हमारे प्रति विश्वास होने की वजह से आज ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए हम सुनते हैं पेशेंट के मुँह से उनका अपना एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमरिंदर सिंह पन्नू, आई बिलोंग टू पटियाला, आई लिव इन मॉडल टाउन एंड माई मम इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट विद डॉक्टर नीति कपूर कौशल। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर। सो जदों मेरे मम्मी नू रात नू मतलब उन्होंने थोड़े दौरे पैन लगे सीगे तो बेहोशी की हालत दे विच रात नू 2 बजे बैड ते बेहोश हो गई सीगे। तो मेरे फादर ने फिर मैं कहा भी तेरे मम्मी नू की हो गया, तो देखो तुसी भी इन्हों का कि हॉस्पिटल लैके जाना। तो इस हॉस्पिटल दे विच मेरा पहला ही ऑलरेडी फ्रेंड जॉब करता सी डॉक्टर KP। तो डॉक्टर KP नू मैं रात नू फोन किया, उन्होंने इमीजिएटली फोन चक के मैं कहा तो इमीजिएटली इन्हों हॉस्पिटलाइज़ कर ला। तो मेरा रेजिडेंस सिर्फ 1.5 किलोमीटर से सीगा, तो मैं मम्मी नू पिक करके गड्डी दे विच पाया ते मैं ते मेरी वाइफ इत्थे एमरजेंसी आ गए। तो साढ़े पहुँचन तो पहला इत्थे डॉक्टर्स ऑलरेडी रेडी सीगे इन्हां नू ट्रीट करन दे लिए। तो उस टाइम डॉक्टर नीति दे नाल टैलीफोनिक कन्वरसेशन डॉक्टर KP ते इत्थे जिहड़ा मैडिकल डॉक्टर सीगे एमरजेंसी दे विच उन्हां दी कन्वरसेशन होंदी रही। तो एंड ऑफ द डे विदाउट डूइंग एनी टेस्ट डॉक्टर नीति डायग्नोस एनसेफलाइटिस वायरस। एनसेफलाइटिस वायरस वो वायरस हैगा जिहड़ा अपने ब्रेन दे विच इन्हां नू बुखार दे थ्रू एंटर होया ते उन्होंने इहदी मैमरी लॉस करती, राइट साइड की मैमरी लॉस करती। तो उस दे नाल मम्मी की जिहड़ी मैमरी सी 20-25 ईयर्स बैक चली गई। तो बहुत सीरीयस केस सी मम्मी का, तो डॉक्टर नीति ने बहुत चंगी तरह तो बहुत एफर्ट्स करके हैंडल किया। तो जिस दे विच 20-22 डेज़ ICU दे विच रहे, दैन 3-4 डेज़ HDD विच रहे, ऑलमोस्ट 1 मंथ प्लस मम्मी हॉस्पिटल च रहे। तो डॉक्टर नीति ने सानू बिल्कुल ही महसूस नहीं होने दिता कि वो एक अनजान डॉक्टर ने साडे लई, सानू बिल्कुल फैमिली वांगू लगे, मैनू बिल्कुल सिस्टर वांगू लगे। तो उन्होंने सैल्फ भी वो फोन करके सानू घर पुछते रहेंगे सी भी पेशेंट की हालत किवें है। मेरे मम्मी 74 ईयर ओल्ड सीगे ते इस एज दे विच एनसेफलाइटिस वायरस दे नाल बचना इम्पॉसीबल सी, पर उन्होंने कर दिखाया, अपने बेस्ट एफर्ट्स किए तो यह करके दिखाया। तो अज मम्मी थोड़े सामने ने बिल्कुल ठीक ने, 60-70% इन्हों की मैमरी रिकवरी हो चुकी आ, आपे वॉक करते आ, गल करते आ, खाते पीते आ, सारा काम करते आ, वो अपना नहाते धोते आ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ मणिपाल हॉस्पिटल का जिन्होंने साड़ी बहुत हैल्प की, सानू बहुत चंगी तरह ट्रीट किया। तो डॉक्टर नीति का मैं दिलों अपने सारे परिवार वालों शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने सानू एज ए फैमिली मैंबर लैके तो अपना सेफ परसनल उन्होंने एफर्ट्स किया, मेरी माँ को अपनी माँ वांगू समझा तो बहुत चंगी तरह ट्रीट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर नीति कपूर कौशल, थैंक्स। अच्छा है सारिया ने हेल्प दे नाल मेरी साइफ चेंज हो गई, बच गई, तो अच्छा लग्या मैंने तुहाडे पेरेंट्स सानू इन्ने ही। मैं डॉक्टर साहब ने यही कहता सी मेरी मम्मी चाहे बैड पर ही बैठी रहे पर रवे साढ़े बिच रवे, तो उन्होंने कर दिखाया, अजे बैठे साढ़े बिच। असं बहुत हैप्पी हाँ तो थैंकफुल हाँ ऑल मणिपाल टीम हॉस्पिटल का, सारे डॉक्टर्स एवरीवन जिन्होंने भी हेल्प की, चाहे नर्सिस ने, चाहे टैक्नीशियंस ने, चाहे डॉक्टर्स ने, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आ। तो स्पैशल थैंक्स मैं करदा मिस्टर अरविंदर जी का, तो डॉक्टर तो आरिफ जी का, वह भी मेरे नोन सके पहले तो ही जानते, क्योंकि पापा भी इतने एडमिट रहे
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 80% ਲੰਗਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਹੁਣ 20% ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਕਵਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਗੁਨੀਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੀਤੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਸ਼ੀ ਇਨ ਦ ਵੇ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਲੁਕਡ ਆਫਟਰ ਮਾਈ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਆਮ ਜਸਟ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ, ਆਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਆਸਕ ਫੋਰ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਇਸ਼ੂ ਵਿਦ ਦ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਵਿਦ ਦ ਸਟਾਫ, ਦੇ ਡਿਡ ਸੋਰਟਡ ਇਟ ਆਊਟ ਕੁਆਇਟ ਵੈਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਇਸ਼ੂ, but no, they dealt it very professionally and very responsive, you know, straight away they come to support and help. So thank you for all the help and support you provided to our family. Thank you very much.